चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। भारत ने, हम सब ने एक साथ मिलकर के काम किया, हमें करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना था ताकि भुखमरी की स्थिति ना बने। कोरोना जब शुरू हुआ तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान कर रही है। जनजाति भाई बहनों के लिए तो सबको राशन, कोई न छूटे हमने कहा, और ये राशन कैसे पहुंचेगा इसके लिए हम बैठे। जनजातीय कल्याण की इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है राशन आपके ग्राम योजना। प्रदेश के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां शासकीय सहकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम में नहीं है, वहां ग्रामीणों को राशन के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त शारीरिक श्रम तो लगता ही है, साथ ही उस रोज का उनका काम धंधा भी चला जाता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और निराश्रित को तो और भी मुश्किल होती थी। हितग्राहियों की इसी परेशानी को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनके गांव में ही राशन वितरित करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को माह में एक नियत दिवस पर राशन वाला वाहन, वितरण सामग्री एवं शासकीय विक्रेता सहित ग्राम में आएगा। हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। यही नहीं, योजना के तहत स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राशन वितरण में उपयोग होने वाले वाहनों के अनुबंध के लिए भी उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजातीय वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। सरकार उन्हें 2-3 लाख की मार्जिन मनी एवं न्यूनतम दर पर ऋण भी दे रही है। सरकार द्वारा मुझे ये जो ऋण मिला है, जो कि उनके द्वारा हम गाड़ी मालिक बने हैं और हम गांव-गांव जाके राशन बांटेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। 4 किलोमीटर जाना पड़ता राशन लेने के लिए, अकेली चक्कर आती है, शरीर कपती है, लाने वाले धरन वाले कोई नहीं है। हमारे गांव में राशन आ जाएगी, बढ़ जाएगी, परेशानी कोई को नहीं होगा। मोदी जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे ही प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में संचालित होने जा रही ये योजना लाभार्थियों के श्रम, समय और आजीविका की रक्षा भी करेगी एवं उनके लिए समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी।